डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में देश सहित शहर में भी गुस्सा देखा जा रहा है। शहर के पूर्वी क्षेत्र में लोगों ने पीड़िता के श्रद्धांजलि देते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। खन्ना रोड स्थित लिम्बोदी कॉलोनी के रहवासी ने 22 साल की पशु चिकित्सक युवती को लिम्बोदी नाके पर एकत्रित होकर घटना के विरोध स्वरूप मोमबत्तियां चलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रहवासियों ने आरोपियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर तुरंत फांसी देने की मांग की है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। प्रदर्शन कर रहे रहवासियों ने देश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। जैसा कि सारे देश को मालूम है, दो दिन पहले हैदराबाद में जो हैवानियत की घटना घटी थी, जो वेटनरी डॉक्टर थी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, वो एक जानवरों की डॉक्टर थी। हमें लगता है कि उन्होंने जानवरों को तो समझ लिया, पर जो इंसान के रूप में जो जानवर थे, जो हैवानियत थे, वो उनको नहीं समझ पाई। उसके कारण उनका पहले रेप हुआ और फिर उनको जला दिया गया। हम बहन के लिए, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के लिए यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये मांग की है कि जो अपराधी हैं उनको तत्काल रूप से फांसी की सजा दी जाए या चौराहे पे गोली मार दी जाए, या उनके माताजी का जैसा कहना है कि उनको भी जिंदा जला दिया जाए अपराधियों को। हम उनका समर्थन करते हैं और एक अपील है वकील साथियों से कि ऐसे दरिंदों का कोई भी केस ना ले और एक समाज में एक संदेश जाए कि जो भी ऐसा अपराध करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और एक मिसाल बने, अपराधी उससे डरेंगे। आपका नाम? नरेश सिहाग।